अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल आर फाइन। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ वेरिएशन। क्या होता है वेरिएशन? दी वर्ड वेरिएशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल साइंसेज। वो कह रहे हैं ये जो वेरिएशन का वर्ड है ये तमाम साइंसेज में यूज़ हो रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, और हमारे पास दो तरह की वेरिएशन हैं। कौन कौन सी? डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकेंड इज इनवर्स वेरिएशन। सबसे पहले है डायरेक्ट वेरिएशन। क्या होती है डायरेक्ट वेरिएशन? इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज या डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। वो कह रहे हैं अगर दो क्वांटिटीज हैं वो रिलेट कर रही हैं आपस में, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है तो ओबियसली दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इस वेरिएशन को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। In other words, if a quantity y varies directly with regard to a quantity x, we say that is directly proportional to x and is written as y varies to x or y is equal to kx, that is y divided by x is equal to k and k is not equal to 0. कहते हैं दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं अगर एक क्वांटिटी है y, वो वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रही है दूसरी क्वांटिटी कौन सी है x के, तो वी से दैट हम कह सकते हैं y क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, x के, और इस एंड इज रिटन एज को ऐसे लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, इसी क्या कहते हैं वेरीज। ये किसका साइन है? वेरीज का, या डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं y इज वेरीज टू x और y इज इक्वल टू के एक्स। जब इक्वल में लिखेंगे फिर क्या आ जाएगा के एक्स, दैट इज y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू k। फिर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा के, और k इज नॉट इक्वल टू जीरो, k जीरो को इक्वल नहीं होगा। दिस साइन दिस, ये जो साइन है रीड एज वेरीज एज, ये किस कैसे रीड करते हैं इसको, वेरीज एज इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन। इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा साइन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन। वाइल के इज नॉट इक्वल टू जीरो इज नॉन एज कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, और जो हमारे पास के है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इसे क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये कॉन्स्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स। वो कह रहे हैं अगर स्पीड जो है कार की वो बहुत तेज़ होती है तो वो डिस्टेंस बहुत तेज़ी से कवर करती है, यानी कि बहुत लंबा सफ़र तय करती है। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉलर द सर्कमफेरेंस इज़। वो कह रहे हैं अगर जो है सर्कल का रेडियस हो स्मॉलर होता है तो उसका सर्कमफेरेंस भी क्या होता है स्मॉलर। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर वन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस डी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम दी वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम टी निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अब इसमें कह रहे हैं कि हमने रिलेशन फाइंड करना है किसके दरमियान, डी के दरमियान और स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर लेना है उसके दरमियान। बॉडी है वो रेस्ट पे है, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हुए। फाइंड के इफ़ डी इज इक्वल टू 16 फीट फॉर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड आल्सो ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन डी एंड टी। अब वो कह रहे हैं हमें फाइंड करना है क्या, के, के क्या है कॉन्स्टेंट। इफ अगर डी वो कह रहे हैं 16 फीट है फॉर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टी क्या है टाइम 1 सेकेंड है, आल्सो ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन डी एंड टी, फिर हमने क्या फाइंड करना है रिलेशन किसके दरमियान, डी और टी के दरमियान। सोल्यूशन देखें, सिंस डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन टाइम टी, अब डी क्या है डिस्टेंस है बॉडी फॉल कर रही है रेस्ट पे, टाइम क्या है टी, देन अंडर द गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या है हमारे पास, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्केयर, यानी कि डी इज वेरीज टू टी स्केयर। नेक्स्ट देखें, दैट इज देखें पहले हमने किस में लिखा था वेरीज में, जब इक्वल में लिखेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा के, फिर क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू के टी स्केयर, ये क्या इक्वल है वन, सिंस डी इज इक्वल टू 16 फीट एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, डी क्या दिया हुआ था 16 फीट और टी क्या था 1 सेकेंड, देन इक्वेशन वन बिकम्स। अब ये हमें वन में पुट करेंगे, वन इक्वेशन में इसकी वैल्यूज देखें, डी की क्या है 16 इज इक्वल टू के, टी की क्या है वन, वन का होल स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, दैट इज पुट इन इक्वेशन वन। अब के क्या आ गया 16, के की वैल्यू 16 आ गया, वो हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो देखें डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की जगह 16 टी स्क्वायर, विच इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस डी एंड टाइम टी, ये किसका रिलेशनशिप आ गया डी एंड टी का, यानी कि डिस्टेंस का टाइम का। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगर कुछ नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।